सर्व का स्वागत है हमारे चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले कैसे हम सरवाइव कर सकते हैं एक आइलैंड में हम लोग को भेजा होगा। तो फिर देखो, पहली बात तो हम लोग एक आइलैंड में सरवाइव होना, तो फिर उसके लिए मैंने देखो थोड़ा सा अरेंज किया था। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने पहले से पेड़ और कटिंग टाइप। तो फिर देखो अपने उधर टॉर्टेस है, टॉर्टेस और सब कुछ ठीक से आपको बताऊँगा। तो पहले ये बात कर जाते कि हम लोग को क्राफ्टिंग टेबल के साथ हम लोग को पहले एक पेड़ तोड़ते, पहले वे टूट जाया, फिर उसको इधर जाके रखने का, फिर उसमें से उड़ाते, फिर एक हम लोग आएगा वो क्राफ्टिंग टेबल रेडी हो जाता है हमारा। फिर मैं इसको इधर किधर तरफ देता ऐसे डेकोरेशन, तो डेकोरेशन तब से रहे। फिर हम लोग को बेड बनाने के लिए हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं, हम लोग को एक शीप लगेगी। मुझे शीप के लिए जाना पड़ रहा है, ये शिप आज मेरे हाथ में है। अभी देखो शिप को अभी हम लोग को मारना पड़ेगा। मर 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 मर, ये मरिए बोला था। तो अभी मेरे पास आ चुका है वो, तो फिर अभी मैं चाहता हूँ। तो फिर हम लोग को और बहुत वूल चाहिए, मतलब तीन चार वूल लगता है एक इसको बनाने को ले। मतलब दिखाता हूँ रुको, देखो ये देखो, एक दो तीन वुड और तीनों के लगेंगे। तो फिर आपको वैसे तीन तीन लाना। अभी मेरे पास शीप तो नहीं दिख रही है मुझे, इधर आस पास तो मुझे शीप नहीं दिख रही है। शीप ब्लैक कलर की शीप भाई नहीं दिख रही, शीप तो नहीं दिख रही है। पर तो ये दूसरी बात कह डालूँ तो देखो, बेड की बहुत यूज़ होता है रात के समय, बहुत यूज़ होता है। जैसे कोई ज़ॉम्बी होंगे अभी हमला करने के लिए बहुत मदद करता है। उसके बाद अभी हम लोग को खाना भी चाहिए इसके लिए। अभी हम लोग को माइनिंग वीनिंग करनी पड़ती, पहले हम लोग को सारे पेड़ को काटना पड़ता है। सारे पेड़ हम लोग को चाहिए, उसके बाद पेड़ काटो हम लोग को पेड़ काटने पड़ता है। पेड़ हम लोग लगा भी सकते कैसे वो भी बताता हूँ मैं। तो फिर देखो मैंने पेड़ काटे, मैं सारे इसको इसमें रखूँगा, इसमें ऐसा करूँगा। फिर एक ही रखूँगा चार। इसके बाद मुझे बनाना है हथिया, वो हम लोग जाएंगे अभी क्राफ्टिंग टेबल में जाके मैं एक ये पिकैक्स बना देता, एक ये बना देता। बस अभी देखो अभी मैं बना लेता, अभी हम लोग जाते इधर माइनिंग करेंगे। अभी इधर हम लोग देखो, मैं ये स्टिक से तोड़ूँगा, डट का भी बहुत चीज़ होता है। अरे यार मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी मुझे कुछ मिला। ये क्या है भाई, ये ऐसे से तो जाएगा, ये क्या है वैसे भी, ये कुछ काम की चीज़ नहीं, ये बहुत काम की चीज़ है भाई। स्टोन्स बहुत काम के। रुको मैं इसको हाथ से तोड़ूँगा। टूट जा। मैं इधर से तोड़ता हूँ फटाफट, तो ये सारे स्टोन्स को मैं कलेक्ट करते बैठेगा। अब ये सारे स्टोन्स हम लोगों को चाहिए, जब तक पिकैक्स में दम है ना तब तक मैं सारे ये स्टोन तोड़ दूँगा। अभी स्टोन का भी यूज़ किया, स्टोन से हम लोग तलवार बना सकते, फिर स्टोन से हम लोग आयरन निकाल सकते हैं, फिर आयरन को कलेक्ट करेंगे, फिर आयरन से हम लोग बनाएंगे, आयरन पिकेक्स, फिर आयरन से हम लोग डायमंड और गोल्ड को निकाल सकते, फिर डायमंड और गोल्ड को निकाल कर देखो। अभी रात हुई, अभी ऐसे ऊपर जाने के जंप मारते रहना चाहिए हम लोग को, मार लग जंप में लग आज लग अच्छा तो इसके लग गई जंप लग लक 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 जैसे इसके लिए एस फॉर एम मार्क में इधर ये रख देता हूँ। फिर अभी सो जाना है हम लोग अपना बेड की, अभी सो जाते हैं, बेड इम्पोर्टेंट है, बेड रात के हम लोग बस रात में ही सो सकते हैं माइनक्राफ्ट में। अरे वापस हम लोग जाते हैं, बस अभी इतना आ गया ना, कितना आया है अभी। एक हम लोग बनाएंगे देखो, एक पिकैक्स, फिर हम लोग को लगेंगे, हम लोग ने कौन सा पेड़ तोड़ा था देखो,
अभी हम लोग को पेड़ की सिबलिंग्स मिल चुकी है। देखो पेड़ की सिबलिंग से ना हम लोग ना और पेड़ उगा सकते हैं। अभी मैं इन पेड़ की सिबलिंग्स को इधर इधर उग पाऊंगा। फिर वो पेड़ किधर गया? हाँ, इस पेड़ के नीचे से हाँ इधर से अभी हम लोग निकालेंगे सब कुछ। अभी इधर से हम लोग देखते क्या क्या चीज़ें मिलती। चलो इधर से बहुत कुछ मिलता है। इधर से हम लोग को स्टिक या फिर ये मिल जाता है। अभी तो मुझे कुछ खास नहीं मिला। हम लोग चलो अभी अपना माइनिंग का प्रोग्रेसिंग शुरू करते। तो अभी स्टोन से अभी हमें कहा उधर माइनिंग नहीं करेगा। अभी मैं ऐसा ना एक रास्ते जैसा बनाऊंगा इधर। फिर रास्ते जैसा बनाने के लिए ऐसा बनाना पड़ता है। फिर हम लोग धीरे धीरे घर भी बनाएंगे। पहले माइनिंग करना इम्पोर्टेंट है माइनक्राफ्ट में। अगर माइनिंग नहीं है ना तो कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे जैसे हम लोग ज़्यादा डीप में जाएंगे ना हम लोग रुकेंगे। क्या अभी डीप में क्यों रोकने का वो भी बता देता हूँ कि डीप में ज़रा ज़ॉम्बी विम्बी हम लोग को मिल जाएंगे। ये देखो शायद से मेरे यहाँ का पानी भी हो सकता है। देखो अभी इधर आ चुका है स्टोन। ये स्टोन पिकेक्स हम लोग तोड़ते हैं। इसको भी तोड़ते हैं। इसको भी तोड़ते हैं। उसके बाद इसको भी तोड़ते हैं। फिर इधर एक और गड्ढा। ये देखो अभी मुझे और नीचे नहीं जा सकता यार। इधर गलती कर दी मैंने। हाँ और इधर एक अभी हो सकता है मुझे ऊपर का तो नहीं। हाँ देखो ये ऐसा अपना रास्ता बनेगा। यहाँ से हम लोग नीचे जाके हम लोग माइनिंग कर सकते। फिर अभी आता है क्वेश्चन। अभी हम लोग बनाएंगे अपना घर सैंड से। हम लोग अभी हम लोग के पास कितना स्टोन उस स्टोन से अभी हम लोग बना सकते। देखो देखो इधर ये ना ये खा भी सकते हम लोग। और सर्वाइवल में ज़्यादा हाइट से कूदूँ मत मैं तो ये आपको देता। ज़्यादा हाइट से कूदेंगे तो गए फिर नर्क भी नसीब नहीं होगा स्वर्ग भी नसीब नहीं होगा। तो फिर देखो अभी हम लोग को बन लाना है फर्नस। तो फर्नस ऐसा कुछ बनता है ऐसा छे को रखने का एक फर्नस बनता है। तो फिर अभी मेरा फर्नस ये रहा मेरा फर्नस। तो फिर अभी फर्नस में हम लोग खाना बना सकते हैं जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए ये रख देता। और फ्यूल में हम लोग वूड तो रख सकते हैं प्लैंक्स रख सकते या फिर नहीं तो कोयला। कोयला पता है ना कोल कोल वो रख सकते। और अभी हम लोग फ्लावर का भी हमें आपको एक यूज़ बता देता है। या अगर हमने फ्लावर को काटा ना तो फिर मुझे मिलेगा एक फ्लावर का टैग। ये इस फ्लावर को काटे और एक मिला इस बनाए तो एक और एक इस बनाए तो और एक। और अगर आपको ना लॉर्ड्स ऑफ मोबाइल सीखना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप सीख सकते लॉर्ड्स ऑफ मोबाइल कैसे खेलते हैं। फिर जाइए और देखिए डिस्क्रिप्शन में जाके आपको देखना। तो फिर आप जाके देख सकते हैं। तो फिर देखो अभी डाई को इधर रखेंगे तो हम लोग को डाइस मिलते। इससे ना डाइस का एक फ़ायदा कि हम लोग ना किसी भी चीज़ को ना कलर दे सकते। फॉर एग्जांपल ग्लासेस। अभी ग्लासेस कैसा बनाने का वो तो बहुत जनों का ही क्वेश्चन रहता है। ग्लासेस के लिए हम लोग को पहले सैंड चाहिए। पहले सैंड कलेक्ट करो। फिर सैंड कलेक्ट करने के बाद सीधा जाने का फर्नस में उधर रखने का सैंड। फिर ये निकालने का देखो ग्लासेस आया ना ऐसा ही कुछ तो रहता। फिर अभी मैं इसको अभी मुझे भूखने लगे खाने का। तो फिर और एक आपको चीज़ बनाना है। और आपको जिस एक और चीज़ बनाना उस ना चीज़ का नाम है चेस। आपको अभी बनाना है चेस। तो फिर चेस बनाने का भी सेम प्रोसेस है। पहले काटो ए वो दो बुक का प्लैंक रखो आप काट के रखो आप। अगर दो बुक का काट के रखेंगे ना तो आपको थोड़ा फायदा। फिर इधर डालो फिर इसमें से ये निकालो फिर जाओ इसमें फिर चेस
देखो 6 लगता है, इसके लिए मैंने बोला 2 काट के रखो। अगर 2 काट के रखा ना तो फिर आप इजीली रख सकते हो किधर, तो फिर अभी देखो इसको खोल के सारा सारा सामान रख सकता हूँ। ये इसमें का फ़ायदा रहता है, एक चीज़ का फ़ायदा रहता है, आप इसमें कुछ सारा अपना सामान रख सकते। देखो अब ये ग्लास बने, अगर आपको ग्लास का आपको कुछ और आइटम चाहिए जैसे ये बना, तो इसके लिए आपको ये स्टार चाहिए, ऑब्सीडियन, आपको सब कुछ बताऊंगा मैं आगे जाके। उसका आपको ये बनाना होगा तो आपको ऐसे 6 लगेंगे, फिर 6 से ऐसे 16 बनेंगे, मतलब अगर आपको उसको डिवाइड करना है ऐसे 6 × 3 = 7 को डिवाइड करना है, फिर आपको उसका यूज़ है बहुत अच्छा यूज़ उसमें आपका। फिर मैं ये बताता हूँ, तो फिर अभी क्वेश्चन आता है आपको ये कैसे आपको उगाने का। देखो अगर आपको उगाना है तो वो भी मैं बता देता कैसे, पहले मैं नीचे से काट देता हूँ। ये मिल जा भाई, मिल जा, मिल गया, 4 मिल गए। तो फिर देखो मैं बीच बीच में स्किप इसके लिए कर रहा था क्योंकि वो आपको दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, हाँ मुझे वो लंबी वीडियो नहीं बना। अभी मैं इसको काटते ही पानी में जाके मर जाएगा भाई, पानी में जाके मत मर, पानी में जाके मारना बहुत ही मुश्किल होता है, और पानी में तब जाइए मत, पानी में रुको मैं इसके ऊपर इसको मार के। तो फिर देखो अगर आपको ये शुगर कैन उगाना है ना, तो फिर आपने एक काम करो, इसको ऐसा रखो, इसके बाजू में रखो। अगर ये शुगर कैन की ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा करेंगे तो उगेगा। फिर अगर आपको इसको उगाना है ना, तो फिर अपना मिडल से काट लो। अगर आपने इसको मिडल से काटना है आगे जाके और ग्रोथ करेगा, आपने इसको मिडल से काटा है अभी 2 दिन बाद इसका और ग्रोथ मिलेगा। और ग्लास को कभी ना हाथ से मत तोड़, हाथ से तोड़ा था तो कुछ नहीं मिलेगा, और कभी भी ना ग्लास को ना इससे तोड़ने का, पिकैक्स से नहीं तो किसी पिकैक्स से ही टूट सकता है ग्लासेस। तो फिर इतना ठीक है, तो फिर आज बस के लिए आज इतना ही, फिर से मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।